क्या आप जानना चाहते हैं कि YouTube पर अपनी खोज का इतिहास या सर्च हिस्ट्री कैसे मिटाते हैं? तो फिर ये वीडियो देखते रहिए। नमस्ते, मेरा नाम एकता है। क्या आपको पता है कि YouTube आपकी सारी खोज का इतिहास अपने आप से सेव कर लेता है और उन सर्च क्वेरीज को ध्यान में रखते हुए आपको नए वीडियो रेकमेंड करता है या देखने का सुझाव देता है। पर यही नहीं, ये सब जानकारी गूगल अपने पास स्टोर कर लेता है और आगे जाकर आपकी जानकारी का इस्तेमाल कर सकता है। आपने क्या खोजा, देखा, आखिर ये तो आपकी निजी जानकारी है, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है। और अगर आप YouTube के साथ नहीं शेयर करना चाहते तो इस खोज के इतिहास को कैसे मिटाएं? आइए सीख लेते हैं। सबसे पहले YouTube.com पर जाते हैं और यहाँ ऊपर नीले रंग के साइन इन के बटन पर क्लिक कर देते हैं और अब अपने YouTube अकाउंट में साइन इन कर लेते हैं। अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के साइन इन कर लेते हैं। अब हम YouTube में लॉग्ड इन हैं। अगर आपको अपनी सर्च की हिस्ट्री देखनी है तो सबसे पहले आप यहाँ पर माय चैनल पर जाइए, जो कि है ऊपर लेफ्ट साइड में या ऊपर बाईं तरफ। ये देखिए, ये आपका चैनल आ गया और अब आप यहाँ ऊपर वीडियो मैनेजर पर क्लिक कीजिए। ये देखिए, आपका वीडियो मैनेजर खुल गया। यहाँ लेफ्ट साइड में वीडियो मैनेजर के नीचे यहाँ पर एक सर्च हिस्ट्री है, सर्च हिस्ट्री पर क्लिक कीजिए। ये देखिए, ये है मेरी पूरी सर्च हिस्ट्री और ये सब की सब चीजें YouTube ने अपने आप से स्टोर करके रखी हुई हैं, उन्हें सेव किया हुआ है। अगर आप किसी एक आइटम को हटाना चाहते हैं, किसी एक सर्च क्वेरी को मिटाना चाहते हैं, तो आप उसे अलग से मिटा सकते हैं। जैसे कि चलिए, ये एक है जो मैंने मूवी खोजी थी, मैं इस पर क्लिक करके और रिमूव कर देती हूँ। पर अगर आप अपनी पूरी हिस्ट्री को या पूरे इतिहास को मिटाना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, दो विकल्प हैं। आप इस डब्बे में क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, सारे की सारी सर्च क्वेरीज अपने आप सिलेक्ट हो जाएंगी और उसके बाद आप रिमूव पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर इसको अनचेक कर देती हूँ, जो ज़्यादा आसान तरीका है। और एक ही क्लिक में आप ये क्लियर ऑल सर्च हिस्ट्री के बटन पे क्लिक कर दीजिए और आपकी सारी सर्च हिस्ट्री, सारी खोज का जो इतिहास है वो मिट जाएगा। तो चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। अब एक डब्बा सा खुल गया और वो आपसे पूछ रहा है कि क्या आप श्योर हैं कि आप अपनी पूरी सर्च हिस्ट्री को मिटाना चाहते हैं और आप इसको अनडू नहीं कर पाएंगे, यानी कि आप दोबारा से अपनी हिस्ट्री को नहीं देख पाएंगे। तो हम क्लियर ऑल सर्च हिस्ट्री के बटन पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए, अब वो कह रहा है कि आपकी सारी सर्च हिस्ट्री जो है वो क्लियर कर दी गई है। और अब हम इस क्रॉस के बटन पर क्लिक कर देते हैं। वापस से सर्च हिस्ट्री पे गए। ये देखिए, वो बोल रहा है योर सर्च हिस्ट्री इज एम्प्टी, यानी कि हमारी खोज का जो इतिहास था वो मिटा दिया गया है, अब वो खाली है। अब आप ये समझने की गलती मत कीजिए कि YouTube आपकी हिस्ट्री को ट्रैक नहीं करेगा। मैं आपको समझाती हूँ कि अब क्या होगा। चलिए यहाँ पर ऊपर सर्च बार में कुछ टाइप करके खोज लेते हैं। जैसे कि कुछ खोज लेती हूँ, क्या कैसे स्काइप हिंदी, और ये देखिए, ये क्या कैसे के स्काइप के वीडियोस आ गए, सर्च के परिणाम आ गए। अगर आप वापस से अपनी सर्च हिस्ट्री में जाते हैं तो ये देखिए, माय चैनल पर क्लिक किया, वीडियो मैनेजर पे क्लिक किया और आप वापस से सर्च हिस्ट्री में गए तो ये जो अभी अभी मैंने 20 सेकंड पहले सर्च क्वेरी टाइप करी थी वो अभी भी ट्रैक हो रही है। तो ऐसे तो YouTube आपको ट्रैक करता ही जाएगा। हमने पुरानी हिस्ट्री तो डिलीट कर दी, लेकिन जो फ्यूचर में आप खोजेंगे या सर्च करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि YouTube उसे भी ट्रैक ना करे, तो आपको एक आखिरी कदम उठाना होगा। वो ये कि आप पॉज सर्च हिस्ट्री कर दीजिए। उससे पहले मैं इस पर क्लिक करके इसे रिमूव कर देती हूँ और
पॉज सर्च हिस्ट्री पर क्लिक कर देती हूँ। और अब हमारी जो सर्च हिस्ट्री है वो पॉज हो गई, यानी कि आप कुछ भी यहाँ पर टाइप करेंगे तो वो अब आगे YouTube ट्रैक नहीं करेगा। तो हमने जो पास्ट की हिस्ट्री थी या भूतकाल की हिस्ट्री थी वो भी डिलीट कर दी, और आगे भी हमने सुनिश्चित कर लिया कि हमारी फ्यूचर में भी सर्च हिस्ट्री ट्रैक नहीं होगी। अब आपने सीख लिया है कि YouTube पर अपनी खोज का इतिहास या सर्च हिस्ट्री कैसे मिटाते हैं। वीडियो पसंद आया तो YouTube में लाइक का बटन जरूर दबाइए और शेयर करना मत भूलिए। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की जानकारी लगातार प्राप्त कर सकते हैं। क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।